गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फिफ्थ चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड फिफ्थ. ओके, सो लेट्स बिगिन. हियर यू कैन सी फिफ्थ चैप्टर नेम इज कार्निवोरस प्लांट, मींस कीट भक्षी पौधे. ओके, कार्निवोरस प्लांट आर प्लांट दैट अट्रैक्ट कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन. कीट भक्षी प्लांट पौधे वे पौधे होते हैं जो कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पचा करके उनसे प्राप्त करते हैं पोषक तत्व. ठीक है, उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जैसे नाइट्रोजन. देयर एबिलिटी टू ट्रैप इंसेक्ट गिव देम, उनकी ये योग्यता, कीड़ों को पकड़ने की ये योग्यता उन्हें देती है, क्या देती है, देम एन इवोल्यूशनरी एडवांटेज ओवर अदर प्लांट, उन्हें एक विकासमूलक लाभ उन्हें पहुंचाती है अन्य पौधों की अपेक्षा. ओके, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कार्निवोरस प्लांट, यूज द हेल्प बॉक्स. नीचे कुछ कीट भक्षी पौधे हैं, उनका नाम आपको राइट करना है और बॉक्स से हेल्प लेना है. ठीक है, ये फर्स्ट देख रहे हैं. दिस कोबरा लाइक प्लांट अट्रैक्ट इंसेक्ट विथ अ स्वीट स्मेल, कैप्चर एंड किल्स देम. यह जो कोबरा की तरह पौधा दिख रहा है, ठीक है, यह कीड़ों को अपने मीठे गंध से आकर्षित करता है और उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें मार देता है. ठीक है, तो इस प्लांट का क्या नाम है बच्चों? इस प्लांट का नाम आप बॉक्स में जाएंगे तो हेल्प बॉक्स में मिलेगा आपको और मैं वहाँ नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आप राइट कर लीजिएगा. कोबरा प्लांट, ठीक है, क्या है, कोबरा प्लांट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ दिस प्लांट लुक लाइक अ बटरफ्लाई, इस पौधे की पत्तियां बटरफ्लाई तितली की तरह दिखती हैं. एंड वंस इंसेक्ट कम बिटवीन द लीव्स इट क्लोज द लीव्स, और जब एक बार कोई कीड़ा इन पत्तियों के बीच में आ जाता है तो यह क्या करता है, इन पत्ती अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है. देन लीफ रीओपन आफ्टर डाइजेस्टिंग द इंसेक्ट, और कीड़ों को पूरी तरह पचाने के बाद ही यह पत्ता पुनः दोबारा खुलता है. तो इस पौधे का क्या नाम है, यहाँ हेल्प बॉक्स लीजिए, इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप. ठीक है, सेकेंड नंबर हम डाल दे रहे हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप. नेक्स्ट देखते हैं. दिस प्लांट फ्लोट ऑन वाटर एंड इट इज हेरी इन स्ट्रक्चर, यह पौधा पानी पर तैरता रहता है. ओके, और इस पर जो है बाल की तरह संरचना होती है, विच ट्रैप इंसेक्ट, जो कि कीड़ों को पकड़ लेता है. द साइड ऑफ दिस प्लांट आर स्लीपरी एंड मे बी ग्रोप टू इंश्योर दैट इंसेक्ट कैन नॉट क्लाइम आउट, और इसके जो प्लांट होते हैं ये बिल्कुल स्लीपरी होता है, फिसलनदार होता है, और ऐसा होता है कि जब कोई कीड़ा इसमें चला जाता है तो फिर ऊपर नहीं आ पाता है. ठीक है, तो इस पौधे का क्या नाम है, तो इस पौधे का नाम है पिक्चर प्लांट. ठीक है, ये पिक्चर प्लांट आप राइट कर लीजिएगा. ओके, फोर्थ देखते हैं. दिस प्लांट प्रोड्यूस स्टिकी जूस एंड शाइन एज इफ इट इज कवर्ड विथ ड्यू, कराइए पौधा, ठीक है ना, स्टिकी जूस चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है यहाँ पे. ठीक है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है और यह ऐसा दिखता है कि ओस पड़ा हुआ है, इस पर ओस जमी हुई है.
The insect get stuck in the sticky fluid. और कीड़ा इसी चिपचिपे द्रव पदार्थ में चिपक जाता है. ठीक है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है सन ड्यू. ठीक है, आप लोग राइट कर लीजिएगा. डिड यू नो, क्या आपको पता है? देयर आर एक्स अप्रोक्सीमेटली 670 नोन कार्निवोरस प्लांट. क्या आपको पता है लगभग 670 कीट भक्षी पौधों की प्रजातियां हैं? ओके, आई की टेस्ट देखते हैं. द बॉडी ऑफ विच कार्निवोरस प्लांट इज केप्ट अफ्लोट इन वाटर बाई मीन्स ऑफ न्यूमरस लिटिल ब्लैडर. कह रहा है जो कीट भक्षी पौधा जो पानी पर तैरता रहता है वो असंख्य, उसमें छोटे छोटे ब्लैडर होते हैं. ठीक है, ब्लैडर में फुला हुआ भाग, ठीक है, उसी की सहायता से वो तैरता रहता है. वैल्यू बेस्ड नॉलेज, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर मेनी थिंग्स. हम अनेक वस्तुओं के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं. सो वी कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर देम, इसलिए हमें उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो टूडेज टॉपिक इज फिनिश हियर एंड आई विल टीच यू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे. ओके, थैंक यू, टेक केयर.